आनंद, आनंद बेटा, क्या सोच रहा है? अरे माँ, आप कुछ भी तो नहीं, कब आई आप? 5 मिनट हो गए, लेकिन तेरा ध्यान ही नहीं। कोई टेंशन है? टेंशन कुछ भी तो नहीं। सच कह रहा है ना? नहीं, झूठ कह रहा हूं। क्या टेंशन होगी मम्मी? पिया कहाँ है? ऑफिस गई है। इसीलिए तू यहां अकेला खड़ा है? बेटा कम से कम माँ से ही मिलने चला आता, यू अकेले मायूस खड़ा खड़ा सोच क्यों रहा है? डॉक्टर ने मना किया है ना, किसी भी किस्म का टेंशन नहीं लेना। क्या माँ, देयर इज नो टेंशन। कुछ होता तो मैं आके तुझे बता नहीं देता। पता है, जब तू छोटा था ना, बहुत बातें किया करता था, हर छोटी बड़ी बात मुझे आकर बताता था। स्कूल में आज ये हुआ, स्कूल में आज वो हुआ। अरे कभी कभी तो तंग आ जाती थी तेरी बातों से, किचन में चला आता था, काम नहीं करने देता था। और आज, आज तुझसे बात करने को तरसती हूँ और तेरे पास कुछ है ही नहीं कहने को। तो ऐसे क्यों कह रही है माँ? क्योंकि बेटा तू बड़ा हो गया है अब। अब अगर तेरे दिल में कोई बात हो भी ना, तो किसी से कुछ भी नहीं कहता, बस अकेला ही सोचता रहता है। कोई बात तो नहीं है ना? कोई बात नहीं माँ। तेरा पिया से झगड़ा तो नहीं हुआ ना? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। तू बार बार ऐसे क्यों पूछ रही है? बस यूं ही दिल में आया, तू घर में है, बीमार है और वो ऑफिस गई है, जबकि उसने कहा था कि 2-4 दिन छुट्टी ले लेगी। वो इस तरह तुझे छोड़ के जाने वाली नहीं है। अरे उसकी जान अटकी रहती है तुझ में, तू खुश तो वो खुश, तू बीमार तो वो बीमार। मामा मैंने उसे भेजा, मैंने बहुत फोर्स किया, और वैसे मैं ठीक हो गया हूँ। यहाँ घर पर रहकर उसका काम सफर कर रहा था। मैंने बहुत फोर्स किया तभी वो गई। कोई बात नहीं माँ, डोंट वरी। ठीक है, चाय पिएगा, मैं अभी बना के। अरे ये गिफ्ट्स रत्ना ने भेजे? पिया ने उसे कहा होगा तेरा जन्मदिन है, इसीलिए गिफ्ट्स भेज दिए। बहुत चाहती है ना?